असी भी कह सकते सी कि डिप्टी सीएम या सीएम या इनू अंदर किया जाए या कुछ किया, पर असी गुरु साहबान के मसले गुरु घर के मसले कित सियासत ना करनी या ना करनी चाहिए है। जो अपनी सरकार के दौरान बेअदबी हुई असी सारी सिख संगत तो परमात्मा तो माफ़ी भी मंगी। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सी कि जिहड़ा गुरु घर की बेअदबी करे उन्हूं की मिलना चाहिए है, फांसी मिलना चाहिए है। फिर गांधी परिवार के जिया सज्जन कुमार अज तक क्यों नहीं दिती, क्योंकि DGP चट्टोपाध्याय वो इंसान है जिन्हों पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वरत्या सी बादल परिवार के खिलाफ, उदों भी इन्हें बादल परिवार के खिलाफ झूठा परचा दिता। 7-7 घंटे 8-8 घंटे होम मिनिस्टर DGP चीफ मिनिस्टर इको एक प्लैनिंग से लगे रहे हैं। आ जिहड़ा बेअदबी दा इत्थे होया है, एक मिनट नहीं चीफ मिनिस्टर ने लाया कि दोषियों को फंड वास्ते DGP नूं। उन्होंने पिछले हफ्ता भी 10 दिन कल्ला मजीठिया अंदर करना, इन्हें अंदर करना। इस करके ना असी डरीए ना असी परवाह करिए, असी थोड़ा चैलेंज एक्सैप्ट कर लिया, हुण आओ मैदाने जंग च, देखांगे थोनू पंजाब की कचहरी विच। थोड़े दिन पहले एक दुश्त ने सचखंड श्री दरबार साहब अंदर आ के बेअदबी करने की कोशिश की थी। एक ऐसा हादसा होया जिहड़े सिख पंथ नूं जिहदा बहुत ज़्यादा दुख है। मैनू लगता नहीं किसी जिंदगी विच कि दरबार साहब के अंदर ऐसा किसी की हिम्मत हुई ऐसा दुष्ट काम करने की। कल्ली इंदिरा गांधी के हुक्म से उदों टैंकां तोपां नाल दरबार साहब पर हमला होया, पर बड़ा अफसोस मैनूं इक गल दा लगता है कि इस हादसे तो 4 दिन पहले दरबार साहब के पवित्र सरोवर विच गुड़का साहब नूं फाड़ के उत्ते सिट्टे गए सी, ते SGPC दे मैनेजमेंट ने पंजाब पुलिस नूं ओह बंदा फड़ा दिता सी। पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं कीता ते 4 दिन बाद आ हादसा हो गया। इहदा वड्डा कारण मैं कह सकदा कि जिहड़ी सरकारां ने या पार्टियां ने खास करके सियासत करने की कोशिश कीती है, दोषियों नूं फड़न दे बगैर बजाए सियासत कीती है। असी भी अज कह सकते सी जिवें कांग्रेस पार्टी ने सियासत कीती, असी भी कह सकते सी कि डिप्टी CM या CM या इहनू अंदर किया जाए या कुछ किया, पर असी गुरु साहबान के मसले गुरु घर के मसले कितने सियासत ना करनी या ना करनी चाहिए है। मैनू बड़ा दुख है, असी सारी श्रोमणी अकाली दल ने जो अपनी सरकार के दौरान बेअदबी हुई असी सारी सिख संगत तो परमात्मा तो माफ़ी भी मंगी। साड़ी उदों कोशिश सी कि दोषियों नूं फड़न दी, पर उदों ही कांग्रेस पार्टी ने ते कई जथेबंदियों ने उदों पूरा प्रचार किया, सड़कां रोकियां ते दबाव पाया कि असी पंजाब सरकार तो नहीं इंक्वायरी करवानी, इन्वेस्टिगेशन करवानी। असी उदों सिख संगत दे जथेबंदियों दे सारी लीडरशिप दे भावना नूं समझते हुए CBI नूं असी इन्वेस्टिगेशन दे दित्ती। नहीं साडा मन सी उदों असी सारी पुलिस फोर्स नूं उदों हिदायत करती सी, मैं आप मोनिटर कर रहा सी कि जल्दी तो जल्दी दोषी फड़े गए, पर उदों साडी सरकार क्योंकि CBI कोल चली गई। पंजाब सरकार देश दा कानून है कि एक केस दे विच दो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते,
तो उदो पंजाब सरकार दे हाथ बंधे गए तो सानू इन्वेस्टिगेशन रोकनी पई। पर जदों दी सरकार कांग्रेस दी आई है इस सरकार ने इन दोषियों नू फड़न दे बजाय इन्होंने सियासत की लगातार सियासत चलती रही पांच साल। कंवर विजय प्रताप वर्गे जिहड़े इन्हां दे आईजी सी उन्होंने दोषियों मगर तक गए ही नहीं। इक्को ही काम श्रोमणी अकाली दल खालसा पंथ की जथेबंदी नू बदनाम करन दी साजिश राही सारा ही चार साल साढ़े चार साल उस काम ते ला दिते। तो इस करके मैं सारिआं नू बेनती करदा सी परमात्मा दे चरणां च अरदास भी कीती सी कि जिहड़ा इस इन्हां बेअदबी दे मामले च गुरु साहबान दे मामले च कोई सियासत करूगा उहदा कख नहीं रहना चाहीदा। तो परमात्मा मेहर करूगा जिन्हां ने कीती सियासत उन्हां दा कख ना रहे। मैं सारी संगत नू सारी लीडरशिप सारी पार्टियां नू आई बेनती करना चाहुंदा कि इस इशू ते किसे नू सियासत नहीं करनी चाहीदी। आपां सारे इकट्ठे हो के इह दोषियां नू फड़ीए क्योंकि आ एक पैटर्न बन गया। पिछली वार भी इलैक्शन दे दौरान आ सारियां चीज़ां शुरू होईयां हुण फिर तो शुरू होई। इत्थे पंजाब दी अमन शांति भाईचारिक सांझ नू सट लाउण वास्ते आ साजिशां शुरू फिर तो हो गईयां। मैं पंजाब पुलिस नू बेनती करदा कि खास करके पंजाब दी सरकार नू ते दिल्ली दी सरकार नू थोड़े कोले हर किस्म दी एजेंसी है थोड़े कोले ताकत है थोड़े कोले सिस्टम्स हैगे पता कराउण वास्ते। ते मैं बेनती करना चाहुंदा कि जल्दी तो जल्दी दोषियों का पता लगे किने कराई है कौन पिछे है कित्थे आ साजिशां होई हैं क्योंकि अगर दोषी ना फड़े गए तो अब बेअदबी होर हो गई तो देश का अमन शांति तो पंजाब की अमन शांति तो खालसा पंथ कितने बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने गुरु पर हमला। खालसा हर सिख अपनी गुरु की रक्षा वास्ते अपनी जान अपने परिवार की जान वार सकता है तो वारेगा जे कित कोई दुष्ट अपने गुरु साढ़े गुरु पर हमला करे। इस करके क्योंकि पंजाब एक अमन शांति अमन प्रस सूबा है तो मैं सारे खास करके हुण मैं सरकारां नूं कहना चाहुंदा हुण जिम्मेवारी थोड़ी है आ कॉन्सपरेसी जिहड़ी हैगी इहदे मगर कॉन्सपरेसी जल्दी तो जल्दी इहदा हल कीता जाए। तो मैनूं बड़ा दुख है कि जिहड़ी कमेटी बनाई है आ जिहड़ी दरबार पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री ने एक डिप्टी कमिश्नर दे थल्ले एक कमेटी बनाती इहदा लैवल इन्ना छोटा है कि इहदे नाल जांच कित्थे होगी। इहदा मतलब इक्को ही है कि जिवें खाना पूर्ति करनी होए घट तो घट एक रिटायर्ड जज या सिटिंग जज की थल्ले मोनिटर्ड एक स्पैशल टास्क फोर्स क्रिएट की जाए जिदे नाल पूरे सूबे नूं विश्वास होए कि इहदे ते सियासत नहीं होगी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी। हुण जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर दे थल्ले बनाई गई है वह तो सीधा ही होम मिनिस्टर दे चीफ मिनिस्टर दे थल्ले रोज़ काम करते हैं। तुसीं देखिया कि इन्हां दा इक्को एक सोच रही है कांग्रेस पार्टी की हर इशू ते सियासत करनी आ समा सियासत करन दा नहीं। इस करके मैं पंजाब की सरकार नूं चेतावनी दिना कि सिख पंथ कितें बर्दाश्त नहीं करूगा कि जे तू सियासत की तो दोषी ना फड़े गए। असी कमेटी बनाई है SGPC ने कमेटी बनाई है क्योंकि जो असी रुख देखिया सरकार का चार दिन हो गए गुटका साहब की बेअदबी होए तो पावन सरोवर में उत्थे उन्होंने सीटिया गया तो कांग्रेस जो दोषी सी उन्होंने फड़ा भी दिता पुलिस ने हले तक नहीं पता कराया। अज देख लो 10 दिन तकरीबन हो गए है। सो जे पुलिस की आ हालत है कि जेडे दोषियों तुसी जे फड़े हुए दोषियों तुसी पता नहीं करा सकते तो उन्हें ना पता करान करके ही अगले चार दिन बाद होया। मैं इन्ना कहना चाहना पंजाब बॉर्डर सूबा है पंजाब अमन शांति प्रस्त सूबा
पंजाब गुरु साहबान आज जी पवित्र स्थान दरबार साहब बैठे हैं अपने गुरु साहबान ने सारे संसार के भले की गल की है सरबत के भले की आ वो पवित्र जगह जिते सारे धर्मां दे लोग आते हैं। सो जिहड़ी आ साजिश चली है आ साजिश चली है सिख पंथ नूं कमजोर करन दी साजिश चली है ते जिहड़ा सिख पंथ ऐ जी कानूनी हरकत नूं किते बर्दाश्त नहीं करेगा ते मैं उही बेनती करना चाहुंदा पंजाब सरकार नूं पिछले पांच साल तुसीं सियासत कीती ऐसी सियासत करोगे पंथ थोनू बख्शूगा नहीं। सी राहुल गांधी एक उस परिवार का जी है जिन्हें टैंकां तोपां नाल इस पवित्र धरती ते हमला किया। गांधी परिवार एक वो परिवार है जिहड़ा सिख पंथ किते बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उन्होंने हरकत की ते जो हमला सिख पंथ ते कीता। मैं ओही कहना चाहना कि पंजाब सरकार ने पिछले दो साल सिख भावना ते खेडे ते जनता दी भावना ते खेडी उन्होंने हर मुद्दे ते सियासत कीती बेअदबी ते मुद्दे ते सियासत कीती पांच साल कोई दोषी नहीं फड़े ड्रग्स दे मामले ते भी सियासत कीती। हुण उन्होंने पता है कि पंजाब दी कचहरी जाना पैना है पंजाब दी जनता ने सवाल पुछने हैं। हुण जिवें तुसीं सारे ने देखिया कि कुंवर विजय प्रताप की SIT बनाई तो हाई कोर्ट ने की क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि पांच साल इस सरकार ने बर्बाद किए पोलिटिकल वेंडेटा पॉलिटिक्स करके इन्होंने पांच साल किए तो एक भी दोषी तरफ नहीं गए। उवें ही ड्रग्स के मामले च भी पिछले पांच साल एक भी दोषी ना फड़ा गया ना ड्रग्स घटे सगों ड्रग्स वधे। हुण ओह जाण के पिछले महीने दे लगे है हर अफसर नूं बणाउंदे है तीन DGP बदलते है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे चार डायरेक्टर बदल दिते है हर नूं बुलाउंदे है कि तुसीं परचा दिओ तुसीं परचा दिओ तुसीं अंदर करो। दो SSPs ने लिख के दे दिता कि तुसीं झूठा परचा करवाउणा चाहुंदे आ जे ADGP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिख के दे दिता कि आ झूठे केस है इन्वेस्टिगेशन एदी नहीं हो सकती क्योंकि यह सारा कुछ ही इन्वेस्टिगेटेड है दोषी जिहड़े कीते सी जिस केस इन्हां नूं लिंक किया जा रहा है उत्थे तां कोर्ट ने सज़ा भी दे दी लोग सज़ा भी भुगत रहे हैं। तो मैं उही कहना चाहना कि हुण उन्हां दी पैनिक रिएक्शन है जदों किसी ने नहीं मन्ना कोई जिले का SSP नहीं मन्या कोई पुलिस अफसर नहीं बनया फिर एक थाना DGP दे थले एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक थाना जिथे अज तक नहीं वरत्या गया उहदी आ दूजी FIR DGP चट्टोपाध्याय ने क्योंकि DGP चट्टोपाध्याय वह इंसान है जिन्हों पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वरत्या सी बादल परिवार के खिलाफ उदों भी इन्हें बादल परिवार के खिलाफ झूठा परचा दिता इन्वेस्टिगेशन की जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट ने ते लोअर कोर्ट ने रद्द करके सानू क्विट किया। सो आज जिहड़ी साजिश है हुण भी सारी पुलिस एक पासे है कल्ला DGP चट्टोपाध्याय एक पासे है जिहड़ा झूठा केस किया श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस पार्टी का चैलेंज कबूल दी है असी लीगल बैटल भी लड़ांगे ते पंजाब दी जनता जाके पंजाब दी जनता दे सामने रखांगे कि किवें आ जिहड़ी पार्टी ने मैं उही गल थोड़े ते आ रहा पिछले महीने हर रोज़ 7-7 घंटे 8-8 घंटे होम मिनिस्टर DGP चीफ मिनिस्टर इको एक प्लैनिंग से लगे रहे हैं। आ जिहड़ा बेअदबी दा इत्थे होया है एक मिनट नहीं चीफ मिनिस्टर ने लाया कि दोषियों नूं फड़न वास्ते DGP नूं उन्होंने पिछले हफ्ता भी 10 दिन कल्ला मजीठिया नूं अंदर करना इन्हां अंदर करना इस करके ना असी डरीए ना असी परवाह करिए असी थोड़ा चैलेंज एक्सैप्ट कर लिया
हुण आओ मैदाने जंग च देखांगे तुहानू पंजाब दी कचहरी विच जय जी करतूतां इन्हां दीआं जमानतां जब्त होणगीआं। ते मैं एक होर भी कहना चाहुंदा झूठे केस बनाउणे गुनाह साडी इन्हां दी सरकार दे दौरान बहुत साडे वर्करां ते झूठे केस बनाए गए है बजुर्ग माइयां ते बजुर्गां ते बच्चियां दे केस झूठे कराए गए है। तो मैं अज चैलेंज एक्सैप्ट करदा ते मैं कहना चाहुंदा साडी सरकार आउण ते सारे जिन्हें झूठे केस असी इन्वेस्टिगेशन करावांगे ते जिहड़े पुलिस अफसर ने ते जिहड़े सियासी लीडर ने जिंदगियां बर्बाद कीतियां गरीब बंदियां दीआं पॉलिटिक्स करके सियासत करके उहनां नूं नौकरियां दे भी कढ़िया जाऊगा उहनां दे खिलाफ एक्शन भी लिता जाऊगा क्योंकि झूठे केस बनाउणे गुनाह। ते मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर ते डी जी पी चट्टोपाध्याय बिक्रम मजीठिया दे केस भी उन्होंने झूठा केस बनाया उन्होंने कानून तोड़िया ते तैयार रहन उन्होंने भी अपनी सभा आ गया भुगतन दा। नवजोत सिंह सिद्धू नूं इक्को ही कहना चाहुंदा है नवजोत सिंह सिद्धू दा बयान सी कि जिहड़ा गुरु घर दी बेअदबी करे उन्हूं की मिलना चाहिए फांसी मिलना चाहिए। फिर गांधी परिवार के जिया सज्जन कुमार अज तक क्यों नहीं दिती सने करन दे बजाय इन्हों टाइटलर वर्गियां चीफ मिनिस्टर बनाया जिन्होंने हज़ारा गुरु घरों की अगली भेंट किया तो साढ़े दरबार साहब से हमला किया।